उदाहरण 14, क्या x ऋण a बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण ए एक्स की घात 2 धन 5x ऋण 5a का एक गुणनखंड है। हल, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण ए एक्स की घात 2 धन 5x ऋण 5a में x बराबर a रखने पर pa बराबर 0 हो जाए, तब हम x ऋण a को px का गुणनखंड कह सकते हैं। यहाँ पे हम x बराबर a को रखने पर बहुपद पी एक्स में हम x बराबर a रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा पी ए बराबर x की घात 3 में x के स्थान पर हम a रखेंगे, a की घात 3 ऋण a गुणित फिर x के स्थान पर a की घात 2 धन 5 x के स्थान पर a ऋण 5 a बराबर a की घात 3 ऋण a गुणित a की घात 2 बराबर a की घात 3 धन 5 a ऋण 5 a बराबर a की घात 3 ऋण a की घात 3 धन 0, अतः p a बराबर ए की घात 3 ऋण ए की घात 3 भी 0 हो जाएगा। स्पष्टता पी ए बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ है, अतः एक्स ऋण ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। यह इस प्रश्न का हल है।